और अगली बड़ी खबर रामेश्वरम से सामने आ रही है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक खड़ी नाव में अचानक से आग लग गई। बेहद हैरान करने वाला ये मामला तमिलनाडु के सामने आया, जहां पर मछली पकड़ने की बोट में आग लग गई। पूरी तरह से ये नाव जल गई। कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रामेश्वरम के पम्बन में दरअसल ये हादसा हुआ। आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। चारों ओर पानी के बीच खड़ी नाव में आग लग गई। ये आग की तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें जो हैं वो रामेश्वरम के पम्बन की हैं। आपको बता दें, मछली पकड़ने वाली ये नाव थी और काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। ये तस्वीरें तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास से सामने आई हैं, जो पम्बन ब्रिज रामेश्वरम को जोड़ता हुआ। वहां पर दरअसल ये नाव जो है वो खड़ी हुई थी, जो इस हादसे का शिकार हो जाती है। और अब खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। जूते के शोरूम में आग लग गई। जी हां, ये आग कैसे लगी, कितना नुकसान वहां पर शोरूम में हुआ है, देखिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में आग का कहर देखने को मिला। यहां 10 नंबर मार्केट में एक फुटवेयर शोरूम के गोडाउन में शनिवार शाम को आग लग गई। आग तेजी से फैली और लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग बुझाने के लिए जेसीबी की मदद से इमारत का एक हिस्सा तोड़ना पड़ा। 10 नंबर इस पे स्केचर का शोरूम है 10 नंबर पे, जिसमें बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट से कॉर्नर पे कुछ फॉल्ट हुआ था इनका, उसी साइड से आग है, लेकिन अंदर की घुसने की जगह कहीं नहीं मिल रही थी। जेसीबी के द्वारा तोड़ के उसका रास्ता क्लियर करा जा रहा है। आग तो कंट्रोल में ज्यादा नहीं है, धुआं ही धुआं है, कंट्रोल कर लिए उसको। भीड़ भाड़ वाला रिहायशी इलाका होने की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आसपास के लोगों ने दमकल विभाग को मामले की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू करने की कोशिश की। करीब 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक अंदर से धुआं निकलता रहा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लग सका है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस वालों का हंगामा देखने को मिला है। नशे में धुत कांस्टेबल ने जमकर बवाल किया, दुकान में घुस करके तोड़फोड़ की, ढाबे पर जमकर के हुड़दंग मचाया। लोगों के विरोध पर रौब दिखाते हुए ये पुलिसकर्मी नजर आए। आरोपी सिपाही निलंबित हालांकि कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये हंगामा कर रहा है। ये वीडियो सदर कोतवाली के पाल चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर अवधेश कुमार नाम का ये सिपाही नशे में इतना धुत है कि उससे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा, और वो ढाबे में घुस करके जम करके बवाल कर रहा है। आए भैया, जरा रुको, ये दारू पिए हुए हैंगे, होश में नहीं है ये, देख ले होश में नहीं है ये। यूपी पुलिस है, ये हाल है इनका, दारू पिए हुए हैं। एक मिनट हटो, दो जरा, ये दारू पिए हुए हैंगे जे, अपने होश में नहीं है ये, गाली स्टार्ट कर रहे हैं ये, गाली चला रहे हैं दारू पिए हुए। ये देखो दारू पिए हुए हैं ये, और ड्राइव भी कर रहे साथ में दारू पी के। कोई जाए, कोई कुछ हो जाए, तीन जने बैठ रहे हो आगे तीन जने बैठ रहे हो, ये हाल आएगा इन लोगों का। अरे भैया, ये दारू पिए हुए हैंगे, होश में नहीं है ये, देख ले होश में नहीं है ये। यूपी पुलिस है, ये हाल है इनका, दारू पिए हुए हैं। एक मिनट हटो, दो जरा, ये दारू पिए हुए हैंगे जे, अपने होश में नहीं है ये, गाली स्टार्ट कर रहे हैं ये, गाली चला रहे हैं दारू पिए हुए। ये देखो दारू पिए हुए हैंगे ये, और ड्राइव भी कर रहे साथ में, दारू पी के कोई जाए, कोई कुछ हो जाए। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर पिछले कई दिनों से बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार जारी है। हत्या के आरोपियों के घरों को ढहाया जा रहा है,
और इन जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके मन में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के कितना खौफ पैदा हुआ है और ये जो केस है वो किस जिले का है, उस जिले का माहौल कैसा है, देखिए रिपोर्ट। घर पर धनाधन चलता ये बुलडोजर, ये तस्वीरें यूपी की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की हैं, जहां आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। मामला नर्मदापुरम जिले का है, जहां के इटारसी में अवैध मकानों को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। दरअसल यहां के 3 युवकों पर हत्या का आरोप लगा था। नाला मोहल्ला क्षेत्र में 4 युवकों ने एक सप्ताह पूर्व एक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद एसडीएम के आदेश पर नगर पालिका अमला ने 3 आरोपियों के अवैध मकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया। पुरानी रंजिश के चलते 4 युवकों ने योगेश मेहरा की चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। आरोपियों के मकानों को तोड़ने की मांग मृतक के परिजनों और मोहल्ले वालों ने नगर प्रशासन से की थी। प्रशासन ने 3 आरोपियों टीपू सुल्तान, शुभम उर्फ शिब्बू और रहीम उर्फ पोटा का बिना नगर पालिका की अनुमति से बनाए मकानों पर एक्शन लिया है। पूरी कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग यहां जमा हो गए। मकानों को तोड़ने से पहले भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम नीता कोरी, नगर पालिका सीएमओ रितु मेहरा सहित पुलिस बल मौजूद रहा। इस कार्रवाई के बाद बदमाशों में दहशत है, उन्हें पता चल गया है कि अपराध करने पर उनका भी आशियाना जमींदोज किया जा सकता है। अब जरा आप सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से रास्ता ही खत्म हो जाए, सड़क कहीं नजर ही ना आए, आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि आपके साथ कभी ऐसा अगर हुआ होगा तो आप भी समझ पाएंगे, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत ही मुश्किल भरे हालात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ठीक ऐसा ही देखने को मिला। यहाँ पर एक शख्स अपनी कार से सफर कर रहा था और अचानक से आगे सड़क ही नहीं थी। दोनों तरफ सड़क और सड़क के बीचों बीच हवा में लटकती ये कार, इस कार को जरा गौर से देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ना ही यहाँ कोई शूटिंग होने वाली है, और हाँ यहाँ कोई स्टंट भी नहीं कर रहा, ये तो एक हादसा है। जी हाँ, सही सुना आपने, दर्दनाक हादसा जिसमें माँ और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। बस ये समझिए कि बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। अब आपको पूरा मामला हम विस्तार से बता रहे हैं। दिल दहलाने वाली ये घटना हुई उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, जहां हाईवे के निर्माणाधीन पुलिया के बीचों बीच कार अटक गई। निर्माण कंपनी की घोर लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ। कार चालक रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच बनाई जा रही पुलिया में जा गिरा। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। हालांकि हादसे में पीड़ित कार में सवार चालक और उसकी मां के शरीर की कई हड्डियां टूट गई हैं। पीड़ित ने फिलहाल तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला जिले के जैतीपुर थाना क्षेत्र में मरुआ झाला गांव का है, जहां के दातागंज फतेहगंज रोड पर यह घटना हुई। अलीगढ़ के मोहल्ला सर सैयद नगर के रहने वाले नुमैर खान ने प्रार्थना पत्र में कहा कि वो कार से अपनी मां और छोटे भाई के साथ यहां से जा रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन जैतीपुर दातागंज फतेहगंज पूर्वी रोड पर सड़क के बीचों बीच बनाई जा रही एक पुलिया में कार सहित गिर गए। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए बताया कि हाईवे निर्माण कंपनी की घोर लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि पुलिया निर्माण के दौरान सड़क पर दोनों तरफ न तो कोई अवरोध लगाया गया, न ही किसी तरह के रिफ्लेक्टर आदि। यही नहीं, एक्सीडेंट से बचने का कोई दूसरा इंतजाम भी यहां नहीं किया गया, जिसके कारण गाड़ी सीधे पुलिया में जाकर गिर गई। पीड़ित ने हाईवे निर्माण कंपनी के मालिक रमेश सिंह और शैलेंद्र सिंह पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो अपने 4-5 अज्ञात साथियों के साथ हाथ में कुदाल फावड़ा लेकर आए और उल्टे पीड़ित को ही गंदी गंदी गालियां देने लगे। पीड़ित का आरोप है दुर्घटना के दौरान गाड़ी में सवार उसकी माँ की कमर और हाथ की हड्डी टूट गई, वहीं उसके हाथ पैर टूट गए, उसकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आप देख सकते हैं यहाँ एक सड़क बनाई जा रही है, इसे लेकर काम भी जोर शोर से चल रहा है। रास्ते पर रेत और पत्थर पड़े हैं, वहीं आसपास ईंटें भी रखी हैं। रास्ते के बीचों बीच एक पुलिया बनाई जा रही है। हादसा ऐसे हुआ कि पुलिया के बीचों बीच एक गाड़ी आकर फंस गई। घटना के बाद आसपास के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। गनीमत रही कि कार हवा में ही लटक गई, कहीं अगर ये गिर जाती तो हादसा ज्यादा भयानक होता। लेकिन तस्वीरों को देखकर निर्माण कंपनी की लापरवाही का भी पता चलता है। रात में गुजर रहे किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि रास्ता कितना खतरनाक है? अगर जरूरी एहतियात नहीं बरती गई तो और लोग इसके शिकार भी हो सकते हैं। और अब एक मिनट में आपको दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के आखिरी दिन अमित शाह शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक शाह ने पदाधिकारियों से कहा कि चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, जीत इतनी बड़ी हो कि विपक्ष सामने खड़ा भी ना हो पाए।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। छत्तीसगढ़ का प्रभार कुमारी शैलजा से लेकर सचिन पायलट को दे दी गई है। वहीं प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बनाया गया है। फिलहाल प्रियंका के पास महासचिव के अलावा कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिराग पासवान ने नालंदा में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री अपना गृह जिला भी नहीं बचा पाएंगे। बीजेपी ने डीएमके पर एक बार फिर बिहार के अपमान का आरोप लगाया है। गिरिराज सिंह ने डीएमके सांसद दयानिधि का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा है, क्या दयानिधि के बयान का लालू और नीतीश समर्थन करते हैं? इंडी गठबंधन लगातार उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहा है। और खबर छत्तीसगढ़ से आपको बताते हैं, छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां पर मंत्री जी के सम्मान के दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में हादसा हुआ, मंत्री जी के सम्मान के दौरान मंच ही टूट गया। मंच टूटने से ये जो मंत्री हैं लखनलाल, वो नीचे गिर जाते हैं। लड्डू के साथ तोड़ते वक्त ये मंच टूट गया था। स्टेज पर मंत्री जी के साथ खड़े थे कई लोग, जिस पर हादसा। दरअसल देखिए, विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनाए जाने पर लखनलाल देवांगन का सम्मान किया जा रहा था। इस कार्यक्रम में मंत्री जी के स्वागत के लिए स्थानीय बीजेपी नेताओं और लोगों की भीड़ थी। लड्डुओं से उन्हें तोला जा रहा था, तभी मंच टूट जाता और देवांगन सहित कई नेता नीचे गिर पड़े। गनीमत रही किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। आनंद फानंद में मंच के नीचे खड़े लोगों ने मंत्री जी को बाहर निकाला। और अब खबर बिहार के आरा से है, जहां पर छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया। छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, कई उनकी मांगे थे लंबे समय से थी जिनको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। जो यूनिवर्सिटी गेट था उसके अंदर दाखिल होने के प्रयास जब छात्रों की ओर से किए गए तो उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। सेनेट की बैठक का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया और इसके बाद यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ दिया। लंबे वक्त से वो प्रदर्शन कर रहे थे, बैठक में दरअसल वो सेनेट की बैठक में जाना चाहते थे और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बैठक में एहतियात बरते जा रहे थे। पुलिस और छात्रों के बीच में घंटों की अनबन हुई, इसके बाद उग्र छात्रों को शांत कराया गया। स्टूडेंट्स कितने बेकाबू हो गए थे, वो लगातार इस मीटिंग में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने यहाँ पर लाठी चार्ज किया। यूनिवर्सिटी में लंबे समय से यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र सीनेट की बैठक में जाना चाहते थे, अपनी मांग रखना चाहते थे, लेकिन ये प्रदर्शन काफी उग्र होता हुआ नजर आया, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया। पूरे प्रदर्शन में देखिए, जब लाठीचार्ज उन पर किया जा रहा था कई छात्र जख्मी हुए। चार तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए थे जब ये लाठीचार्ज उन पर किया जाता है। लाठियां जब उन पर भांजी गई हैं, उग्र हो गए थे छात्र, हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद उनको समझाया भी गया था। और हैरान करने वाली खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से सामने आई है, जिसे देख